नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। शहर में अब चोर गिरोह बेलगाम होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पुलिस का डर अब इनमें नहीं है और वे निडर होकर कहीं भी कभी भी चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर गुरुवार की देर रात चोरों ने शहर के दो विभिन्न क्षेत्रों में दुकान और घर में चोरी कर लगभग 7,45,000 नगद और सामानों पर हाथ साफ कर डाला। सबसे बड़ी घटना मानगो में घटी, जहां उलीडी थाना अंतर्गत डिमना रोड ग्रीन सिटी के डायमंड ब्लॉक में रहने वाले सुजीत कुमार के घर में घटी, जहां इलाज के लिए वेलोर गए परिवार के घर में चोरों ने घर का दरवाज़ा तोड़कर प्रवेश किया और घर में रखे अलमारी सहित कई सामान को खंगाल डाला, जहां से चोरों ने लगभग 7,00,000 मूल्य के कीमती सामान और जेवरात सहित कुछ नगद ले उड़े। इसकी जानकारी सवेरे पड़ोसियों को होने पर उन्होंने पुलिस और गृहस्वामी सुजीत कुमार के परिवार को दी, जिसके बाद सुजीत कुमार ने अपने मामा को फ़ोन किया। उसके बाद उन्होंने घर में जाकर देखा तो चोरी हो चुकी थी। वैसे परिवार वालों के आने के बाद ही चोरी की सही कीमत का आकलन हो पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना मेरे भगना के घर है। क्या नाम? सुजीत कुमार नाम है। और वो अभी उनका ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, तभी गए हुए हैं फ्लोर दिखाने के लिए और उसके एवरेज में तो ये चोरी हो गई है। फिर हम पता चला तो हम आए तो देखे कि अनवीरा खुला हुआ है, टूटा हुआ है, पूरा सारा सामान गायब है और ये लॉक आगे का पूरा ताला टूटा हुआ था, रूम का भी ताला टूटा हुआ था और वो सब सामान ले गया है। कितने का सामान गया होगा? करीब करीब गया है तो 7,00,000 का सामान गया हुआ और इस भवन में सिक्योरिटी गार्ड भी आए हैं अभी और अभी और सामान होगा तो आएंगे तो बताएंगे। आपको कैसे जानकारी मिला था? मेरे को जानकारी मेरे भगना दी है क्या कि हम जाके देखिए मामी के घर में ताला टूटा हुआ है, आप जाके देखिए। तो फिर हम आए तो देखे सही में यहाँ ताला टूटा हुआ है, ओनर यहाँ बस्ती पहले से। भगना कितने दिन से गए हुए थे? भगना अभी अचानक तबीयत ज़्यादा खराब हो गया तो 20 तारीख से उन्होंने निकल गए थे। फिर तो 20 तारीख से निकले हुए थे और उसके बाद फिर चले गए वहाँ से, भेलोर चले गए। पुलिस आई थी? अभी पुलिस आई हुई थी, उस रिपोर्ट लेके गई है, दिखा करके लिखवाए हैं सर। इधर दूसरी घटना परसुडी थाना क्षेत्र के लोको मोड़ में घटी, जहां हरविंदर सिंह के सिमरन ऑटो पार्ट्स के दुकान में चोरों ने बीती रात एस्बेस्टस हटाकर घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान में प्रवेश कर दराज में रखे 45,000 रुपए की चोरी कर ली। घटना की जानकारी तब हुई जब वे सुबह 9 बजे दुकान आए तो इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। चोरी हुई है? बस 9:30 बजे दुकान खुली मैंने, तब मुझे जानकारी मिली तो ऊपर में टूटा हुआ नजर आया मुझे, तो तब मैंने सबको किया। तो क्या कुछ चोरी भी हुई है? सिर्फ कैश का ही चोरी। कितने की कैश? लगभग 45,000। कोई आपको शक के सिर पे कि किसने ये? नहीं सर, कुछ शक का है नहीं। और भी कोई सामान? नहीं फिलहाल तो सब ठीक नजर है। इधर कदमा में भी लगातार हो रही मंदिर दुकान और घरों में चोरी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा कदमा मंडल की ओर से कदमा थाने में प्रदर्शन किया गया और थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंप कर लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की। अन्यथा शहर के सभी मंदिर कमेटियों के साथ थाने में उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। फिलहाल जिले के पुलिस लाख दावा कर ले, लेकिन इन दो घटनाओं से यह प्रतीत होता है कि शहर में चोर बेलगाम हो चुके हैं और लगातार पुलिस को चुनौती देते हुए चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चोरी की लगातार घटना होने से शहर के लोगों में भी आक्रोश बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए जिला प्रशासन को जल्द से जल्द कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। आज हम लोग आए कदमा क्षेत्र में, विगत 1 महीना से लगातार मंदिर को टारगेट लेके चोरी हो रहा है। ये प्रशासन को बार बार बताने से भी प्रशासन जो है इसको चोर का अभी तक नहीं पकड़ सका और लगातार चोरी होते जा रहा, बढ़ते जा रहा। तो आज हम लोग कदमा में युवा मोर्चा का तरफ से ये पहुंचा हुआ है, मेमोरेंडम देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर 1 हफ्ता के अंदर चोर पकड़ा नहीं गया व चोरी बंद नहीं हुआ तो हम लोग कदमा मंडल का युवा मोर्चा के तरफ से हम लोग जारी दे रहे प्रशासन को, तो हम लोग पूरा कदमा क्षेत्र को बंद बुलाएंगे। जितना मंदिर कमेटी पूजा कमेटी है सबको लेकर हम लोग बंदी बुलाएंगे। लगातार मंदिरों में चोरी घटना बढ़ी जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।